गंगा, कोलकाता ले जाने तक ये लड़की जिंदा नहीं रहेगी। अगर हम इसे यहाँ पे छोड़ के जाएंगे तो ये किसी को बता देगी तो हम क्या करेंगे गंगा? नमस्ते दीदी। उन अनाथ बच्चों को आप बचपन से पाल रही हो अनिता दीदी, लेकिन जिस भाई ने आपके साथ जन्म लिया उसके लिए आपने क्या किया? देखो, अगर कल को अगर आपको कुछ हो जाता है तो वो अनाथ बच्चे थोड़ी ना आपकी मदद के लिए आएंगे। ये बच्चे दुश्मनी क्यों ले रही हो आप? वो एक मर्द है इसलिए बोल रहा है क्या? मेरे अंदर वो दोनों है, नहीं दे सकती, जाके बोल दे। इसकी तो अकड़ी कम नहीं होती। जा। उनके रिश्तेदारों को छोड़कर हमारे लिए जी रही है, वो अपने से क्या चाहती है? उन्हें माँ कह के बुलाएंगे बस उतना ही काफी है। मैंने उससे बात करके देखा, वो मानने को राजी नहीं हो रही। उसे खत्म कर दे, पुलिस को मैं देख लूंगा। मुझसे ज्यादा तो तुझे प्यार करती है। पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, खाने के लिए रोटी नहीं था, वो सब भूल गए तुम। मैंने कभी ना बोला है क्या? तू ऐसा क्यों है? माँ बोलने में क्या चाहता है? वो सब मुझे पता है, तू चल। माँ, हमारी इंक्वायरी एकदम सही चल रही है सर। सर वहां देखिए। तुमने माँ को मार दिया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। चलो चलो। क्या है बे? तीनों वक्त का खाना मिलता है, बहुत चर्बी बढ़ गई है हा? तेरे शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं छोड़ूंगा, तेरी पूरी खाल उतार दूंगा।
खेल का मजा तो अब आएगा। हमें जिसने पाल पोस कर बड़ा किया उस माँ को मारने वाले को मारकर हम जेल आ गए। सोचा था कि बाहर जाकर एक अच्छी जिंदगी शुरू करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक और दुश्मनी शुरू हो गई, सब गंगा की वजह से। हमारा तो जेल में सिर्फ एक ही टाइम पास है, इस चार दीवारी के अंदर एक दूसरे से लड़ना। अगर हमारी भाषा में बोलेंगे तो सिंगल्स। आज किसके साथ क्या होने वाला है पता नहीं। जो हारेगा वो जीतने वाले को ए, जो जीतेगा उसे मुझसे लड़ना पड़ेगा। 10, 20, 30, 40। देख भाई तू डर मत, अगर डरेगा ना तो हार जाएगा। यही मैं हमेशा अपने कदीर से कहता था। वो कैसे, अगर तुम्हारा आदमी जीत गया तो? वो सब हम देख लेंगे। कुछ लोग तो वैसे ही सिंगल सिंगल कर रहे हैं, मेरे लिए ये सिंगल ही ठीक है। किसी को बताए बिना चलने वाला ये सिंगल्स, सिर्फ पैसे के लिए नहीं, इस जेल के अंदर कौन सबसे ताकतवर है ये पता करने का तरीका। इसको ऐसा मारना कि यहां से गायब हो जाए। कितना मार खाएगा मुझे पता नहीं, लेकिन उसे मार गिराना जरूर। तुझे बहुत बुरा लग रहा है, ये बता जेल में तू कैसे आया? मैं भी गुंडा हूं ऐसा झूठ बोलकर आया क्या? हाँ, डरपोक कहीं का। तुझे क्या लगता है ऐसे ही आगे हम भी लफड़ा करके ही आए हैं? यहाँ सिंगल्स में सबसे पहले जिसका खून गिरता है वहीं से उसकी हार जीत का फैसला हो जाता है। मेरी खुशी भी यहीं से शुरू होती है और मेरी दुश्मनी भी। गंगा तेरे ऊपर बहुत गुस्सा है, उसे देख के ही समझ में आ रहा है, तू थोड़ा संभल कर रहना। ए, मैं तुझे ही बोल रहा हूं। है तो है, रहने देना, छोड़। अब ये लफड़ा विफड़ा नहीं चाहिए, सजा जल्दी खत्म करके बाहर जाना है यार। बीच रास्ते पे क्यों खड़ा है बे? क्या रे, घूर क्या रहा है? मारेगा क्या? मारेगा? हाँ बोल। जेल में ये नए लोग कौन है, इस तरह का सीन दिखा रहे हैं? ए, इंस्पेक्शन के लिए आए हैं यार, अभी वो लोग सीन शुरू करेंगे। चल निकल निकल निकल, चल भाग भाग भाग। ए, चल मेरे साथ। यही है वो। ए, कौन है रे तू? हैं? तू जानता नहीं है तू किससे पंगा ले रहा है? ए, क्या कर रहे हो तुम लोग? इंस्पेक्शन वाले आए हैं, हॉल में आ जाओ।
इतने टुकड़े करूंगा कि कोई पहचान भी नहीं पाएगा। गंगा, इसे नहीं छोड़ना चाहिए। तू बचेगा नहीं, मरेगा तू। चलो। सभी सिर के पीछे हाथ करो। वो किताब तेरे पास ही है ना? मेरे पास नहीं है, तुझे देने के लिए लेकर आया था। तू नहीं था तो तेरे सेल में रख दिया। मेरे सेल में रख दिया? तेरी सर, उठ। सर मैंने गाने की किताब मांगी थी, इसने ब्लू फिल्म की किताब दे दी सर। झूठ बोलता है। पढ़ाई पूरी करके अपना करियर बनाने की बजाय गलत काम करके तुम लोग जेल में आकर बैठ गए। यहां आकर तुम लोग अच्छे इंसान बनोगे सोचा था, लेकिन तुम लोग यहां पर भी अपराध किए जा रहे हो। सर, तुम जाओ। कहां से मिला तुम्हें? 8 नंबर सेल से सर। सर, यही वो लड़का है। सर, सर, सर मुझे पता नहीं है सर। सर मेरा नहीं है सर, ये कैसे सेल में आया मुझे पता नहीं है सर। सर, सर ये मेरा नहीं है सर। सर मुझे सच में पता नहीं है सर। जेल के अंदर गुंडागर्दी करेगा? हाँ, तूने क्यों रखा था ये? पता? पता? पता किस लिए रखा था? पता वरना? मैंने रखा था। उसे मैंने वहां रखा था। उस सेल पर मैं भी रहता हूँ। इतना अकड़ कर क्यों बोल रहा है? तुझे लगता है कि हम लोग बेवकूफ हैं? बोलना। नाम जैकी है, बहुत शार्प है भाई। ए, चुप कर, बकवास कर रहा है। क्या शार्प है बात कर रहे हो? ए, उसने जो किया वो अच्छा ही किया। तूने उसे जाकर उंगली किया होगा। बेवकूफ समझता है? बेवकूफ समझता है? ए कुली, हाँ, जाओ से लेकर आ। सो गया ये जहां, सो गया वो जहां। क्या हुआ रे? कुछ नहीं हुआ। जब देखो तब पागलों की तरह हंसते रहता है। अच्छा, हम लोगों को तो उसने ज्यादा नहीं मारा, तुमको तो उसने तोड़ कर रख दिया। तुमको इतना क्यों मारा? सामान रखा था ना, इसलिए। ओ, सामान रखा था? अब तो तुम जेल में बड़े आदमी बन गए। ऐसा कुछ नहीं है रे, जिसको अपन पे खुन्नस होगी वही रखा होगा। जो तुझे पसंद नहीं करता। ये इधर क्या कर रहा है? ओ ये सर, सर आकर फंसाना चाहता था, फंस गया। ए, जो बोला है बोला। देख भाई, तेरी ट्रेजेडी मेरा रोमांस। देखो यार। अरे उसको बोलने देना। ए भाई, अच्छे से बात कर इससे, अच्छे से बात कर। सभी लव स्टोरी अच्छी होती है जब तक विलेन की एंट्री ना हो। मैकेनिक है ना तू? पूजा का पीछा करना बंद कर दे, नहीं तो क्या कर लेगा? पूजा मेरी है। क्यों पार्टनर, मजे आ रहे हैं ना? क्या चाहिए तुझे? तू तो पूजा से प्यार कर रहा था ना, अब जेल में आके खड़ा हो गया, ये अच्छा नहीं लगता यार। हमेशा पूजा तेरी है यही बोलता था ना, लेकिन आज के बाद पूजा मेरी है। पूजा को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, उसे तू कभी हासिल नहीं कर सकता जब तक कि मैं जिंदा हूं। तुम दोनों एक साथ चादर ओढ़कर सोना चाहते हो, ये तो मैं जानता हूं अच्छे से। तू क्या ईमानदारी ईमानदारी की बात कर रहा है? इस वीकेंड पे मैं उसे साथ ले जाऊंगा और वहीं उसे मार दूंगा। ए,
चल जा रहे। पूजा को अगर कुछ हुआ तो पूजा उसके गलत इरादों को नहीं जानती, वो तो उसे अच्छा दोस्त समझती है। मुझे डर है कि पूजा के साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो फिर तुझे जाना पड़ेगा। ए, तुम तीनों को सुपरिटेंडेंट बुला रहे हैं, आ जाओ जल्दी। पहले उनसे जाकर मिलते हैं, चलो यार। आयरा, ये जैकी है या नया है? बहुत तेज है ये। ए, बाहर जो गाड़ी खड़ी है वो तेरी है क्या? जाके साइड में लगा उसे। ए, सर ने कहा ना गाड़ी साइड में लगा। सर, कह दिया मैंने। ये हमेशा कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? जो माल हम लेकर कलकत्ता जा रहे थे उसे बॉर्डर पर पुलिस ने पकड़ लिया। माल को वहीं पर छोड़कर अपने लड़के वहां से भाग गए। क्या रे, पकड़ लिया छोड़ दिया, सब क्या बोल रहे? फालतू लड़कों को अपने साथ रखता है तू। अगर मैं जेल से बाहर होता ना, हफ्ते में एक लड़की तो उठाता। चल जाने दे, एक लड़की को फॉलो कर रहे हैं, अगर वो फंस गई तो बाजी पैसों की बारिश कर देगा। बातें मत कर, करके दिखा। आओ शरीफ शहजादों, आज तुम लोगों ने मेरा नाम रोशन कर दिया। ये सब इंक्वायरी फालतू की है यार। ए, उधर क्या देख रहा है? आज के बाद अगर ठीक से नहीं रहा ना, चल जा यहां से, जा जा। ओके सर। दिखने में छोटा है लेकिन काम बड़ा। सर फिर हम लोग? सर तुम दोनों को दूसरे जेल में शिफ्ट करने का ऑर्डर आया है। सर मुझसे बात करने से कुछ नहीं होगा, चार दिनों के अंदर तुम्हें शिफ्ट करने का ऑर्डर आया है। ये लो, इस पर साइन करके निकलो यहां से। तो इस तरह क्यों देख रहा है? ये गलत काम करने से पहले सोचना था ना, अभी सोचने से क्या फायदा? साइन करके निकलो यहां से। आयरा, मैं कभी भी यहां से बाहर निकल सकता हूं, तब तक तुझे ही संभालना पड़ेगा। काम नहीं हुआ ये खबर लेकर मेरे पास मत आना। तू जिस लड़की को उठाने वाला है उसे अच्छे से फॉलो करने के लिए बोल। समझ गया ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ए, तू बोल सकता था ना कि हमें नहीं जाना है? बोल देता तो कदर भी फंस जाता। तू जा रे। ए, यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, जाओ। मेरा दोस्त को मैं कभी हारने नहीं दूंगा। मैं नामर्द की तरह लड़ाई की डर से अंदर छुपकर बैठा क्या तेरा दोस्त? तुझे लग रहा है कि सिंगल्स नहीं होने वाला, ये सोचकर खुश हो रहा है क्या? अगर कल के होने वाले सिंगल्स में तेरा दोस्त नहीं आया तो हमारी जीत होगी। क्यों बे जोकर, कैसा है तू? जब से मैं जेल में हूं हमेशा यहां होने वाली हर लड़ाई को मैं ही जीता हूं। तेरे दोस्त ने मुझसे दुश्मनी मोल ली है। जिस दिन वो यहां से निकलेगा एक लड़ाई और होगी और वो उसकी आखिरी लड़ाई होगी। अरे डर मत रे, डरेगा तो मारा जाएगा। Yeah.
जैकी पे यकीन करके काम दिया है, कर पाएगा वो? चुप कर, वो अपना काम अच्छे से करेगा। क्या? पैसा? पैसा नहीं है मेरे पास। धांसू एक्शन करने की बजाय अभी हम तेरी वजह से कैरम खेल रहे हैं। जोकर आया। किसका जोकर बोला तू? अब सिंगल्स देखते हैं। ए, ए, क्या रे? रुक जा, लगता है इसके अंदर बहुत हिम्मत आ गई। सत्य डर कर नहीं गया है, मेरे लिए गया है वो। हिम्मत है तो हाँ। अबे मुझे दूसरी जेल में शिफ्ट कर रहे हैं यार, मुझे कदर की फिक्र है यार। अब तक हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रहे हैं यार। तू तो कदर के बिना नहीं रह सकता और मैं इस जेल में एक मिनट भी नहीं रह सकता। इस मार का दर्द सत्या को होगा। तेरे पीछे आया था मैं गांव से, तेरे लिए ही गांव छोड़ के आया रे। तू ही मेरी सोनी है, तू ही मेरी माही है। मुझे यहाँ के चप्पे चप्पे की जानकारी है, फिर भी मैं यहाँ कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। वो नई जेल होगी, नए जेलर होंगे, वहां से मैं कैसे भागूंगा? मुझे पूजा की बहुत याद आ रही है। हम जैसे गैरेज में काम करने वालों को लड़कियों को देखना एक बहुत बड़ी बात होती थी, लेकिन जब पूजा ने मेरी तरफ देखा तो मानो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मैं उसके साथ बाहर कहीं घूमने नहीं जाना चाहता था, पर मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं अपने प्यार का इजहार उसके सामने कैसे करूं। मैं तो बस चाहता था कि अपनी सारी जिंदगी उसके साथ बिताऊं। मैं तो हर रोज पागलों की तरह उसके पीछे घूम रहा था। एक दिन उसके लिए रिंग लेकर अपने प्यार का इजहार करने उससे मिलने चला गया तो दुकान वाले ने पुलिस वाले को बुला लिया। क्यों रे? प्यार में भूल गया था कि रिंग खरीदनी पड़ती है। यही तो जोश था जो हमें यहां तक घसीट लाया। सत्या, कादिर बेहोश होकर गिर गया। गंगा के साथ कुछ सिंगल्स किया था, तेरी दुश्मनी की वजह से गंगा ने उसे कुछ दे दिया। जेल में इलाज नहीं हो पाएगा इसलिए जीएस लेकर चला गया। अरे कब, कैसे? सर 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 सर, दरवाजा खोलिए सर, कदीर से मिलना है सर। खोलिए सर दरवाजा, सर दरवाजा खोलिए। ए, उसकी चिंता मत कर रहे, हमें पता है क्या करना है, उसको चेकअप के लिए भेज दिया है। ऐसा करने की जरूरत क्या थी? फिक्र मत कर, वो ठीक हो जाएगा। से कोई सवाल पूछने वाला नहीं है, अगर कोई सवाल पूछेगा तो ऐसे ही सिर झुकाकर खड़े हो जाओगे तुम लोग। लेकिन इसमें हमारी गलती क्या है? एक कैदी की जान गई है। इस केस को मुझे दीजिए, मैं संभाल लूंगा, हलक से सच निकाल लूंगा,
चमड़ी उधेड़ दूंगा। इंसान है कि जानवर? अगर ये बात ऊपर तक गई तो मुसीबत आ जाएगी। इसे यहीं रफा दफा कर दो। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या है मैं देखता हूँ। अंदर के लड़कों को तुम लोग संभाल लेना। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। राजेंद्रन सर, सत्या से मुझे मिलना है। ओके सर। सत्या, सत्या। कदिर कैसा है सर? कदिर को तुम क्या बचपन से ही जानते हो? हाँ सर। तुम दोनों कितने साल से एक दूसरे को जानते हो? अब हमने गिना तो नहीं कि हमने कितना वक्त साथ बिताया। कदिर को क्या हुआ है सर? कदिर का तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है क्या? लेकिन हुआ क्या है सर? कदिर एकदम ठीक हो जाएगा ये कहा था। क्या हुआ सर? कदिर को, कदिर अब ये लफड़ा उठना नहीं चाहिए। सजा जल्दी खत्म करके बाहर जाना है यार। मुझे बात करने दो, सब ठीक हो जाएगा। कदिर मर गया। हमने क्या किया? तुम लोगों को पता है कि गंगा कहाँ है? हमें सच में पता नहीं है। गंगा कहाँ है? क्या बोल रहा है यार ये? पता कहाँ है? जाकर बोल। सत्या ने उसे सिंगल्स के लिए चैलेंज किया, जा बोल। हे हे हे। गंगा रिहा हो गया सत्या। तुझे रिलीज होने में और कितना टाइम लगेगा? 2 साल। मैं 2.5 साल के बाद रिलीज होऊंगा। तुझे पूजा से मिलने का मन नहीं करता? सोच क्या रहा है? काम पर ध्यान दे। ए। सर, फाइल क्लोज करनी है। कादिर की डेथ के बारे में तू कुछ कहना चाहता था ना? बोल बेटा। नहीं सर, उसकी सेहत हमेशा से कमजोर थी। चलो। हे, तूने उसे बताया क्यों नहीं?
तेरे पापा को मारेगा तू? तेरी माँ को? मेरे माँ बाप और मेरे कातिर को मारेगा तू? मुझे कैसा लगना चाहिए? अब बोलने का क्या फायदा? गंगा को मरना होगा। कब निकलना है? सब लोग आने से पहले जल्दी से जाके निकाल लें। माल बस गया। स्टाफ आने से पहले आ जाना। को ढूंढने का तो सिर्फ यही एक रास्ता है। हे, ये जगह मुझे पता है। बाइक रिपेयर करने के लिए मैं यहां गया था। सर, क्या है? सर, वर्कशॉप में कदीर की जगह मैं इसे ले सकता हूं क्या? जिन लोगों को रिपेयर करना आता था वो तो रिहा हो चुके हैं। मुझे मैकेनिक का काम आता है। हम दोनों से अच्छे से कर लेंगे सर। ठीक है, जाओ करो। थैंक यू सर। गंगा भी क्या बोल रहा है? सत्या को उसे मैं देख लूंगा। गंगा अब कहां पे है? अड्डे पे। कल निकल जाएंगे ना, वरना दूसरे जेल जाना होगा। डर मत यार, कल हम यहां पर नहीं होने वाले। मुझे गंगा को मारना है और शिवा को पूजा से मिलना है, और उसके लिए हमें इस जेल से भागना होगा। और इसका एक ही रास्ता है, ये कैरेज। सब कुछ सेट कर दिया, जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। आज रात यहाँ से निकल जाएंगे। क्या भाग रहे हो तुम लोग? मुझसे पूछ रहे? मुझसे पूछ रहे तो फिर किससे पूछना है? सत्या, हमारे पास जाने की वजह तो है, लेकिन उसके पास क्या वजह है? ये हमारे राज जान चुका है। ए, तू खाना नहीं खाएगा? वो दोनों क्या कर रहे हैं तुम्हें पता है? जाकर पूछ। हाँ हाँ, जा। मुझे छोड़कर जा रहे हो? जैकी अगर बाहर निकल गया तो गंगा को ही सपोर्ट करेगा। ऐसे में गंगा को मारना आसान नहीं होगा। हमें एक के बजाय दोनों से भिड़ना होगा। अच्छा, जैकी ने कहा वो सच है क्या? क्यों रे, मुझे मौका नहीं मिलना चाहिए? ए, तेरे को क्या पता है रे? अच्छा, तू इतने गुस्से में क्यों है? ठीक है छोड़, एक नया एडिशन मिला है मुझे। कलर फोटो है, विदेशी आइटम का। जा।
ए, मर्दों का श्राप लग जाता है, उससे भी ज्यादा मेरा श्राप लगेगा, संभाल कर रहना। जा रहे। ए, मैं तो शांति से था, तूने मुझे भड़काया और अब होशियारी करने के लिए आ गया। क्यों, फट गई ना तुम लोगों की? अगर मुझसे पंगा लोगे तो तुम लोगों की खैर नहीं। अब पता चला ना जैकी कौन है। अब तक तो प्लान के मुताबिक सब कुछ सही था, ये जैकी कोई प्रॉब्लम ना खड़ी कर दे इसका कुछ करना ही होगा। अभी क्यों डर रहा है यार, जाने दे छोड़, बाद में देखेंगे। अरे उठा 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 यार, उठा उठा, डॉक्टर के पास जाते। रास्ते से हट गया, अपना रास्ता तो अभी साफ है। चल बड़ा शार्प बनता था ना। ढूंढ रहा है, लगता है मैं रिंग भूल गया। hey, क्या बोल रहा है? यहीं तो रखा था, वो तो सिर्फ लकड़ी का था ना, बाद में देखते हैं। चल यहीं कहीं होगा, मैं अभी लेकर आता हूं। नहीं नहीं, तू यहां पर रुक, मैं लेके आता हूं। तू चल, मैं आता हूं। क्या ढूंढ रहा है तू? पैसा घूम गया सर, उसी को ढूंढने के लिए आया हूं। मिल गया ना, चल जा। उस दिन तुमने मुझे क्यों मारा था? हाथ छोड़। मैंने पूछा मारा क्यों था? सत्या, सत्या, अगर उस दिन वार्डर अंदर आ जाता तो उसको हमारे प्लान के बारे में पता चल जाता, तब मुझे लगा कि शिवा का बाहर जाना ही अच्छा होगा। मैं उसे साथ ले जाऊंगा और वहीं उसे मार दूंगा।
अभी मैं फंस गया हूँ, मगर मैं गंगा को नहीं छोड़ूंगा। शिवा यहाँ से निकलकर बाहर चला जाए, यही काफी है। बेटा ये सब जरूरी है क्या? तू क्यों उनसे पंगे मोल लेता है? उनके हाथों से मरना चाहता है क्या? अब कुछ ही दिनों की तो बात रही है, चल उठ जा। कल निकल जाएंगे ना? तो डर मत रहे, कल हम लोग यहां पर नहीं रहेंगे। बहुत ज्यादा मारा क्या? ऐसा कुछ नहीं है, शक्ल देख के ही पता चल रहा है। क्या सोचा कि मैं यहां से चला गया? तू गया क्यों नहीं रे? तुझे छोड़ के मैं कैसे जा सकता हूं? जा सकता था ना। मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा यार। बेकार रीजन मत दे। बाय। मैकेनिक शेड का चाबी तेरे पास है ना? चाबी तो मेरे पास नहीं है, ऑफिस में देखा तो वहां पर भी नहीं है। अब हम यहां पर थोड़े दिन ही रहेंगे, अब आगे क्या करेंगे? अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाबी तो हमें किसी भी हाल में ढूंढनी होगी। बचपन से इस जेल में पढ़ लिख कर कितने भी बड़े बन जाओ, लेकिन आपको दो लोग बेवकूफ बना रहे हैं। गैरेज में जाकर देखो उन लोगों ने क्या करके रखा है। थोड़ी देर में वार्डन यहाँ आ जाएगा, जैकी ने उसे सब कुछ बता दिया होगा। जो भी होगा उसका सामना करना होगा, ठीक है? We'll be right back.
सत्या, इसके पीछे अपना वक्त मत बर्बाद कर, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। चल चल। और चिल्लाओ,
चिल्लाते क्यों नहीं? थूको, थूको मेरे ऊपर। नहीं छोड़ूंगा, नहीं नहीं छोड़ूंगा। मेरे ऊपर हमला किया, सर उन तीनों में से यही पकड़ा गया सर। इतना मार रहा हूं लेकिन कुछ जवाब नहीं देता। क्या जवाब दूं? क्या बताऊं तुम्हें? वो लोग यहां से भाग रहे थे तो मैं भी उनके साथ भागना चाहता था। देखिए सर कितना अकड़ से बात करता है ये। हाँ तो तू नहीं बताएगा। मैंने तुम्हें बेवकूफ बनाया, उन लोगों ने मुझे बेवकूफ बनाया। वो भाग कर कितनी दूर जाएंगे बना? मैं पकड़ लूंगा, पकड़ के दिखाऊंगा, पकड़ के उसे पकड़ूंगा, उसे पकड़ूंगा, पकड़ूंगा। उन्हें पकड़ने के बाद तेरी बारी, तैयार रहना। ए, इसे डार्क सेल में डाल दे। ठीक है सर। ए, राजेंद्रन सर गाड़ी सर, निकालो। जी सर। चल अंदर, चल। यही रहना, थोड़ी देर में वो भी आने वाले हैं। कुछ देर यहीं कहीं रुक जाते हैं। नहीं, अब तक तो उन लोगों ने हमें ढूंढना भी शुरू कर दिया होगा। सुबह होने से पहले इस जगह को छोड़कर जाना होगा। चल चल। जब भी तो जवान लड़कियों को उठाता है तेरे चेहरे पे पूरी चमक आ जाती है। क्या बात है मेरे भाई, आज तो माल बहुत अच्छा मिला हम लोगों को। शराब चल यार, चलते हैं। मुझसे रहा नहीं जाता। रहने दे, रहने दे। मैं ये बोतल सबसे छुपा कर लेकर आया हूँ, आराम से पीना इसे। ए कौन है तुम लोग, क्या कर रहे हो यहाँ पर? निकलो यहाँ से। ए, सुना नहीं तुमने मैंने तुम्हें क्या बोला? जाओ। चल। ए, जरा रुकना। तुमने चोरी की क्या? हाँ? अंदर क्या छुपा रखा है? कुछ नहीं है रे। घूर के क्या देख रहा है? तू दिखा तेरे पास क्या है? ए, कुछ नहीं है, बोला ना। तेरी तो। तू समझता क्या अपने आप? थोड़ा इधर आओ ना सर। आइए ना सर। क्या बे, हर वक्त खाली पीली परेशान करता रहता है, क्या है? हे, ये पैसे किस लिए बे? ये रख, मुझे बाहर जाने दे। मुनीप को मारकर जाके भाग गया राजेंद्रन। ये आप क्या कह रहे हैं सर? ये अभी अभी हुआ है, हर जगह उसको ढूंढ रहे हैं। तुम भी अलर्ट रहना। Hey!
वो लड़के भाग गए। मैं गाड़ी लेकर निकला था लेकिन चेकिंग बहुत ज्यादा थी इसलिए गाड़ी को रास्ते में रोक लिया। भाई वो क्या हुआ ना? अरे बोलना। वो लड़की पता नहीं कहाँ चली गई। अबे ओए, पार्टी से बात हो चुकी है। अब ये काम तू कैसे करेगा मैं नहीं जानता। कल वो लड़की पहुंचनी चाहिए। अब फोन रख। लाइट ऑन करो। जो लड़के भाग गए उसके अलावा दूसरी सेल को मत खोलो। किसी को खाना या पानी मत देना। ना ही इन लोगों को नहाने दिया जाएगा और ना ही इन्हें पेशाब करने के लिए बाहर निकाला जाएगा। पहले से ही हम लोग इतने सड़े हुए हैं और अंदर बंद करके कितना सड़ा होगे जेलर साहब। अब लगता है कि हम दोनों को साथ जाने की जरूरत नहीं। अब तो अपना काम कर, मैं अपनी देखता हूं। हम दोनों के लिए यही सही रहेगा। यहां तक आ गए तो अच्छी बात है लेकिन इसके आगे मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। उसे उसके घर पे जाकर मारना ही तेरे लिए अच्छा होगा। ये ले, ये पकड़। ए, ये क्या कर रहा है तू? रख ले। पूजा को अब लकड़ी की नहीं अब असली वाली रिंग दिला दे। मेरी जिंदगी तो अब खराब हो गई लेकिन तेरी अच्छी होनी चाहिए। जा। क्या कर रहा है तू? शहर में ना जाने क्या क्या हो रहा है। तू यहाँ पढ़ने आई है, तुझे अपना ख्याल रखना चाहिए। तीन साल पहले एक 7 साल की बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी। वो लोग सुखी रहेंगे क्या? आगे जो पुलिस स्टेशन आने वाला है मैं तुम्हें वहां उतार देती हूँ। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें अपने साथ आकर ले जाएंगे। भाई 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 तेरी तो थैंक यू भाई। चलो भाई चलो चलो।
चलना भाई, जरा जल्दी चलना। आखिर ये लड़के गए कहाँ होंगे? शिवा का कम से कम घर परिवार तो है सर, लेकिन सत्या का तो इस दुनिया में कोई नहीं है। शिवा का घर है ना? हाँ सर, उसके घर में उसके दादाजी रहते हैं और ये हमारे रिपोर्ट में भी है। पूजा आज लीव पे है, आप पूजा के क्या लगते हैं? अगर वो मेरे हाथ लग गया तो तेरी चिता को आग देने वाला कोई नहीं बचेगा। बता, वो यहां आया था कि नहीं? फिर कहां गया वो? साहब, इस घर के अलावा वो जिस गैरेज में काम करता था उसका पता जानता है, वो कहीं घूम रहा होगा। साहब अगर वो मिल जाए तो उसको मारो पीटो, लेकिन जान से मत मारना साहब। हेलो पूजा, मैं शिवा बोल रहा हूँ। पूजा, मैं तुमसे कुछ बोलना चाहूँ। यहाँ कोई पूजा नहीं रहती, रॉन्ग नंबर है, फोन रखो। सॉरी सॉरी। मेरा दोस्त तो अब नहीं रहा और अब मैं उसका बदला गंगा को मार कर लूंगा। चलो उतरते हैं। करता है दिखाई नहीं देता क्या, अंधा कहीं का? छी, आजा बेटा। ए, राइट राइट। दादी माँ, मैं चली जाऊंगी, आप संभल कर जाना। आजकल के बच्चे बहुत अजीब हैं। रम्या, मैं शिवा बोल रहा हूँ। रम्या, हेलो। कौन सा शिवा? रम्या, मैं तेरी नाराजगी समझता हूँ, बस मुझे पूजा से एक बार बात करवा दो प्लीज। रम्या, तो बात कर। पूजा का नंबर बदल गया रम्या। अरे वो तुझे भूल चुकी है, पता है ना? मैंने क्या किया? तुमने क्या नहीं किया, चोरी के केस में जेल जाकर आए हो, तुझे शर्म नहीं आती? मैं नंबर नहीं दे सकती, फोन रख। प्लीज रम्या, बस मुझे एक बार उससे बात करवा दो रम्या, प्लीज। तुम दोनों को मैंने मिलवाया था ना, गलती की, दिमाग खराब हो गया था। जानता हूँ कि मैंने चोरी किया, गलत था, लेकिन मैंने ये पूजा के लिए किया रम्या, प्लीज तुम उसे समझा दो, प्लीज रम्या। मेरी बात समझने की कोशिश करो। तेरे अलावा मेरा और कौन है रम्या? मुझे उसका नंबर दो रम्या। वेट करो, मैं उसका नंबर नहीं दूंगी। तूने जो बोला मैं ये बात उसको बता सकती हूँ। अगर उसने हाँ बोला तो मैं इस नंबर पर उसे कॉल करने को बोलती हूँ, तो वहीं रहे। थैंक्स रम्या, थैंक्स।
क्या फोन चोरी करने आया है? हाँ? फोन नहीं उठाया? कहां तक जाएगा? मारना, तूने कहा था आकर मारेगा, मैं खुद आ गया। मारना प्लीज, मुझे जाने दो प्लीज प्लीज सर। शाम को तैयार रहना। ओके, बाय बाय। सत्या कहाँ है, चल बता। नहीं पता। बता, बता, बता। सत्या कहाँ है? सत्या कहाँ है? अगर तू नहीं बताएगा तब भी मैं उसे ढूंढ ही लूंगा। उसके लिए और कितना मार खाएगा? कहाँ है सत्या, बता दे। क्या देखते हैं? अबे निकल, चल भाग, जल्दी करेंगे, आगे तो मार डालेंगे तुझे। लड़की को मार रहा है। ए, क्या कर रहा है, क्या घूर रहा है, गाड़ी निकाल, चल भाग।
फुट यहाँ से। तुम ठीक तो हो ना? शास्त्री नगर वाले उतर जाओ। बोल काहे करते हो? जेल से फरार होकर तू पहले ही फंस चुका है। तुम लोग मुझे मारकर फरार हुए, आखिर वो तेरा लगता क्या है? तेरा भाई है क्या? अगर तेरा भाई नहीं है तो तू उसके लिए मार क्यों खा रहा है? ए, तू चोरी करके जेल गया था और वो खून करके जेल गया था, कहाँ है बता दे, मैं तुझे अभी छोड़ दूंगा, बता दे, बोलना। इस वीकेंड पे मैं उसे साथ ले जाऊंगा और वहीं उसे मार दूंगा। सर, सत्य कहाँ है ये मुझे पता है, बता दूंगा। बहुत समझदार है। राजेंद्रन। सर। गाड़ी निकालो। ठीक है सर। रस्सी खींचा। अरे ठीक से खींचा, उठाओ उसको। अरे सुना। आ, बोल भाई, लड़की मिल गई है, कहाँ लेकर आऊँ? ए, बाजी के पास ना, गंगा भी वहीं आ जाएगा, संभल कर। मैं भी वहीं आ रहा हूँ। ठीक है भाई। उसे बुला कर ले आ, चल जा।
अगर तूने सच नहीं बताया तो तेरा दादा जिंदा नहीं बचेगा। थोड़े दिनों बाद मैं वापस आऊंगा। कैसे हो तुम? मैंने तुम्हें फोन किया था। अबे उसे लेकर आ। पूजा मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ, तुम उस पर ध्यान मत दो। लव यू पूजा। से पूछ रहा हूं ना, ऐसे क्या दिख रहा है? गंगा कहाँ है तू? मैं शिपयार्ड में हूँ, क्या हुआ? लड़की मिल गई है, निप्पू मेरे साथ ही है, तू तुरंत अपने अड्डे पर आ जा। शकल क्या देख रहा है? मैं अभी जा रहा हूँ, तू थोड़ा रुक कर आना, ठीक है? आज तो तेरे मजे हैं। दस साल की उम्र में मैं अपने बाप को मारकर जेल में गया था। मैं अंदर ही पला बढ़ा और वहां का वार्डन बनकर सबके ऊपर कंट्रोल करने लगा। मैं तुझे ऐसे ही छोड़ दूंगा, तुझे ऐसा लगा? सर इसे छोड़ दीजिए सर, इसे हम लोग जेल में ले जाते हैं सर। तुम क्या बोल रहे हो राजेंद्रन, इसे जेल में ले जाकर छोड़ दूं? अगर मैंने इसे जेल में ले जाकर छोड़ दिया तो मेरे अपमान का क्या होगा? तू मरेगा। चलो तू। सर छोड़ दीजिए ना सर। जितना भी मारू तू सच नहीं बताएगा। मैंने सोचा था इसे पकड़ने के बाद ये मेरी मदद करेगा उसे पकड़ने में, लेकिन इसे मेरा कोई डर ही नहीं है, लगता है इसे अपनी जान प्यारी नहीं। क्योंकि मैंने सच्ची मोहब्बत की है सर।
अरे तूने अब उस लड़की को देख लिया है ना, अब सत्या कहाँ है ये बता दे। मेरे लिए मेरी दोस्ती से बढ़कर और कुछ नहीं है सर। राजेंद्रन, मुझे दो वो गन, मुझे दो। अब जाने दीजिए ना सर। ए, गन दो। देखिए ना सर कितना खुश है, अब वो अपनी जिंदगी की दूसरी शुरुआत करेगा। उसे जेल में वापस लेकर आना ये मेरी जिम्मेदारी है सर, आप गुस्सा मत कीजिए। लेकिन मेरा जो अपमान हुआ है उसका क्या? उसकी गलती की सजा तो वो भुगत ही रहा है ना सर, अब थोड़ा सा आप भी बदल जाइए। मैंने कितनी सारी जिम्मेदारियां निभाई है, तो क्या ये छोटी सी नहीं संभाल पाऊंगा? आप फालतू चिंता कर रहे हैं सर, सब मुझ पर छोड़ दीजिए। अभी मुझे जाना है, पूजा से मिलना है। उठ जा शिवा, 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 शिवा। क्या राजेंद्रन बच्चों की तरह गन छिपा कर रखता है? क्या लगा छोड़ दूंगा उसे? अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो मेरे जीने का मकसद खत्म हो जाएगा। तुम्हारे लिए 2 साल क्या, 5 साल इंतजार करूंगी। तुम्हारे साथ बिताया 1 पल ही काफी है। बाजे, मैं बीच पर आ गया हूं, मैं उसे देख लेता हूं, तुम आराम से रहना। आयरा, मिप्पू, जब घबराते हुए बात कर रहा था तभी मैं समझ गया था। आ!
तुझे जेल में मार देना चाहिए था। तुझे छोड़कर मैंने गलती की। उसको मारने का मन कैसे किया तेरा? अगर तुझे मार भी दिया तो तुझे पूछने वाला कोई नहीं है। लाओ वारिस। देखा तूने? एक गया तो दूसरा आ गया। क्या गंगा, मेरे रहते हुए तुझे कोई मार सकता है क्या? मार इसको। अंदर आकर मेरा काम खत्म करने से पहले ही जेल से छूट गया तू। आ, 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 आ,
पैसे देकर जो भरतनाट्यम नहीं सीख सकते थे, उन लोगों को ढूंढकर वो खुद ही जाकर सिखाती थी। वो खुद के लिए नहीं जीती थी, उसे हमेशा मेरी चिंता रहती थी। इधर ले, ये तेरी गर्लफ्रेंड चाहिए। चल चल चल, जाती है। अजय अजय अजय, इतनी रात को ये घूम रही है तो हमारे लिए घूम रही है ना। चल चल। अरे अरे, रुक रुक, कब से तुझे बुला रहे हैं, सुना नहीं देता? अरे नहीं रे, तुझे हमें से कौन पसंद है बता। नहीं यार, अरे बोल ना, शर्मा क्या रही है? अरे देखना इधर, मेरी तरफ देख। दीदी, अरे यार, ये तो इसकी दीदी है। मेरे बचपन में मम्मी पापा सुनामी में गुजर गए थे, उसके बाद मेरी जिंदगी में सब कुछ मेरे लिए दीदी ही थी। मैं अपनी इन आवारा दोस्तों के साथ मिलकर आती जाती लड़कियों को छेड़ता रहता था, लेकिन उस दिन मेरी दीदी जैनी, जब खुद पर बीतता है तब पता चलता है। उस दिन मेरी गलती का एहसास हुआ। आज तक हमने जिन लड़कियों को छेड़ा, वो भी तो किसी की बहन या माँ हो सकती है ना। जब मैंने इस बारे में सोचा तो मुझे खुद से घिन होने लगा। जेनी जेनी, रुक जाओ जेनी, कसम से मैं ऐसा नहीं करूंगा। आज के बाद मैं काम पे जाऊंगा। मैंने तुझे दीदी की तरह पाला, अगर माँ की तरह पालती तो आज ऐसे नहीं करता तू। मैं पहली बार काम पे जा रहा हूँ, थोड़ा हंस के तो भेजो। मेरी दीदी ने मुझे माफ कर दिया, मैं इस खुशी में था। जब भी मैं उसका चेहरा देखता हूँ तो लगता है कि मैं अपनी माँ को देख रहा हूँ, लेकिन मैंने उसको उस दिन आखिरी बार देखा था। मुझे छोड़ दो, मैं किसी दूसरे काम में रह लूंगी, मुझे जाने दो। ड्राइवर एक्सीडेंट में मर गया। मैं गंगा को मारने के लिए खुद गुनाह करके जेल में चला गया। तूने जिसका बलात्कार किया वो मेरी सगी बहन थी, तुम लोगों ने उसे जिंदा जला दिया। तू इंसान नहीं, हैवान है। जरूर वापस आऊंगा, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आऊंगा। आई लव यू मॉम, लव यू टू।
है।